वेल दोस्तों, रियलमी नार्जो 20 सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था। ऑलमोस्ट मुझे यूज़ करते हुए 100 एंड प्लस डेज यहाँ पर हो चुके हैं। वेल पूरा अपना कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि ये डिवाइस एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए कैसा है। कोई भी टेक्निकल बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। जो भी एक नॉर्मल कंज्यूमर की नीड्स होती है एक डिवाइस परचेज करने की कि आप ये डिवाइस अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, वेल जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल अगर आपको फ्यूचर्स में इस टाइप की वीडियो और चाहिए तो नीचे आपको लाल कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए इन फर्दर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब दोस्तों बात की जाए सबसे पहले डिज़ाइन की, क्योंकि एक नॉर्मल कंज्यूमर की यही नीड्स होती है कि उसका मोबाइल फ़ोन देखने में अच्छा लगे। तो रियलमी नार्जो जो 20 का डिज़ाइन है काफ़ी मैग्नेटिक आपको देखने को मिलता है। बॉडी की बात करें प्लास्टिक है, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी अट्रैक्टिव आपके डिवाइस को बनाता है। वेट की बात करें तो मोबाइल फ़ोन आपको हैवी देखने को मिलेगा। मैं पहले रियलमी 6 यूज़ कर रहा था, अब मैं रियलमी नार्जो 20 दो चार दिनों से फिर से यूज़ करने लगा हूँ, तो मुझे रियलमी नार्जो 20 काफ़ी हैवी देखने को मिल रहा है। वेल एज वेल एज इसके जो बटन्स हैं काफ़ी स्मूथ हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। वेल डिज़ाइन और बॉडी के मामले में मोबाइल फ़ोन बेस्ट है। वेल नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग के मामले में आपको थोड़ा सा डिफरेंस वाईफाई स्पीड और नेटवर्किंग स्पीड में देखने को मिल जाएगा। वेल मैं यहाँ पर एयरटेल यूज़ कर रहा था, वोडाफोन भी मैंने यूज़ किया, जियो भी यूज़ किया, लेकिन जो वाईफाई की स्पीड है वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू जो आपके मोबाइल नेटवर्क्स हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है वाईफाई स्पीड और नेटवर्किंग स्पीड के बीच में। इतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताना जरूरी समझा क्योंकि रिव्यू है तो इसमें सब चीज़ें कंसिडर करना जरूरी था। दोस्तों अब बात की जाए इसके कैमरा को लेकर के, तो मैं यहाँ पर अपने ओपिनियन शेयर करूँगा और आपकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कैमरा आपको कैसा देखने को मिलता है, बैक कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 48 एमपी का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है। लेकिन पिक्चर्स क्वालिटी की अगर आप लोग बात करोगे तो मैं यही बोलूँगा भाई, सबसे बेकार कैमरा आपको इस डिवाइस का देखने को मिलता है। पिक्चर्स क्वालिटी इतनी बेकार है ऐसी आपको किसी भी डिवाइस की देखने को नहीं मिलेगी। वेल मैं अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ जैसा कि मुझे 100 एंड प्लस डेज में फील हुआ। मैंने इसका कैमरा पूरी तरह टेस्ट कर दिया है भाई, मुझे सबसे बेकार कैमरा इस डिवाइस का लगा। लेकिन फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन क्वालिटी आपको फ्रंट कैमरा में थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू बैक कैमरा। तो अगर आप लोग कैमरा को देख करके इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस डिवाइस को परचेज करो। वेल वीडियो मोड की बात करें तो वीडियो मोड में यहाँ पर आपको 1080p का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, 4K का भी सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। वेल वीडियो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से ये वर्क भी करता है, उसमें कोई इशूज नहीं है। लेकिन भाई जो इशूज है मैंने आपको कहा क्लैरिटी और क्वालिटी का, वो इश्यूज आपको इसमें देखने को मिलता है। बात करें बैटरी की तो यहाँ पर आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, बट रियलमी ने यहाँ पर हमें फूल बनाया है, मूर्ख बनाया है कि इसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है। वो आपको भी पता होगा कि रियलमी ने हमें कैसे फूल बनाया है। आपको पता होगा कि इसमें 18 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो सपोर्ट नहीं करता। आप चाहे इससे भी फास्ट चार्जर इसमें लगा लो या इसी का ही और जो चार्जर लगा लो, फिर भी आपको 18 वॉट की स्पीड देखने को नहीं मिलती। पता नहीं क्यों, शायद ये रियलमी ने हमारे साथ फूल किया है। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर बग होता तो रियलमी ने अब तक इसको फिक्स कर देना था। लेकिन 18 वॉट का चार्जर दिया है इन द बॉक्स, लेकिन सपोर्ट आपके डिवाइस में सिर्फ 10 वॉट का ही कर रहा है। अगर आप लोग बैटरी को देख करके इस डिवाइस को लोगे तो बैटरी आपको 6000 mAh की देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप लोग इसको चार्ज करोगे तो चार्ज करने में मिनिमम आपके 3 या 3.5 hours लग जाएंगे। सो ये दिक्कत है, अगर फास्ट चार्जर सपोर्ट करता तो थोड़ा जल्दी यहाँ पर आपकी बैटरी चार्ज हो जाती। वेल दोस्तों एक यूज़र मोबाइल फ़ोन परचेज करता है तो वो उसमें गेमिंग भी चाहता है, तो इस वीडियो में हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि गेमिंग आपको कैसी देखने को मिलती है। वेल पबजी ग्राफिक्स आपको स्मूथ और अल्ट्रा देखने को मिलते हैं, तो मीडियाटेक का G85 गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है, काफ़ी कूल है। नॉल गेम
गेम जो है इसमें आपकी चल जाती है। अगर आप लोग सोचें कि हैवी गेम प्ले और अच्छे ग्राफिक्स और अच्छे FPS के ऊपर हम प्ले करना चाहें तो यहाँ पर गेम प्ले नहीं होगा। G85 है, नॉर्मल गेमिंग के लिए अच्छा है। PUBG काफ़ी नॉर्मल और स्मूथली यहाँ पर चल जाती है। वेल, अगर आप लोग गेमिंग के लिए एक डिवाइस लेना चाहते हो नॉर्मल सा और आपका बजट भी 10 या 11 हज़ार के करीब है तो मैं आपको उसी डिवाइस को रिकमेंड करूँगा अपने 100+ एक्सपीरियंस रिव्यू के ऊपर। तो दोस्तों, ये मेरा रिव्यू था 100+ डेज का आफ्टर यूज ऑफ Realme Narzo 20। वेल, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। जो बग्स मैंने आपको बताए, जो फीचर्स मैंने आपको बताए, अपना रिव्यू शेयर किया, आपको भी क्या ये बग्स फीचर्स देखने को मिले और आप इस डिवाइस को परचेस करना चाहते हो कि नहीं, किसने इस डिवाइस को परचेस किया है ये कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।